फ्रेंड्स, वेलकम टू DMGS क्लासेस। दिस इज सीमा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। इंडियन पॉलिटी को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे संसदीय समितियों को। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने संसद को अच्छे से डिस्कस किया था, उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे सबको हमने देखा था। तो उम्मीद करते हैं आपने संसद वाला वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं जाकर के प्लेलिस्ट में। और संसदीय समितियों को आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसदीय समितियां आखिर होती क्या हैं? तो वर्तमान में संसद अपना अधिकांश कार्य जो है संसदीय समितियों के माध्यम से ही करती है। ठीक है, इसलिए ये कह सकते हैं कि संसदीय समितियां वर्तमान व्यवस्था का अभिन्न अंग है। संसद के सामने जितने भी विधेयक आते हैं, जितने भी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, उन पर सूक्ष्म जांच पड़ताल करने का काम किसका होता है? संसदीय समितियों का ही होता है। ठीक है, यानी कि संसद में आने वाले विधेयकों की जांच पड़ताल करने का काम होता है संसदीय समितियों का। संसद विधायी कार्यों को करने तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य इन समितियों के माध्यम से ही करती है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि संसदीय समितियां जो है लघु संसद के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, संसदीय समितियां लघु संसद के रूप में कार्य करती हैं। अभी लघु संसद अगर वर्ड कहीं पर आएगा तो आपका ध्यान जाना चाहिए संसदीय समितियों की ओर। ओके, चलिए। संसदीय समितियों का गठन जो है अनुच्छेद 118 के तहत किया जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो दो पॉइंट्स आपको यहाँ से ध्यान में रखने हैं। पहला, संसदीय समितियां एक प्रकार से लघु संसद के रूप में कार्य करती हैं, और दूसरा, अनुच्छेद 118 के तहत इन समितियों का गठन किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं। तो ध्यान दीजिए, संसदीय समितियां जो हैं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्थायी समितियां और अस्थायी समितियां। ओके, अब ये स्थायी समितियों में कई सारी समितियां पाई जाती हैं, जैसे कि वित्तीय समितियां, विभागीय समितियां, जांच समितियां, सदन की समितियां, छानबीन समितियां और सेवा समितियां। ठीक है, और जो अस्थायी समिति होती है इसमें मोस्टली किसी विशेष प्रयोजन के लिए ये बनाई जाती है, और जब प्रयोजन पूरा हो जाता है उसके बाद ये समितियां जो है अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, उनका कार्यकाल खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये किसी विशेष प्रयोजन के जांच संबंधी मामलों में इन समितियों का गठन किया जाता है। और जो स्थायी समितियां होती है वो हमेशा अस्तित्व में रहती हैं, जिनके सदस्यों का चयन जो है प्रत्येक वर्ष या निर्धारित समय के अनुसार किया जाता है। यानी वैसे इन समितियों का कार्यकाल जो है मोस्टली एक वर्ष का रहता है। ठीक है, तो जो स्थायी समितियां हैं वो हमेशा अस्तित्व में रहती हैं, बस सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष के बाद बदलता रहता है, मतलब दूसरे सदस्य इसमें आ जाते हैं। प्रत्येक वर्ष इन समितियों का गठन किया जाता है। और अस्थायी समितियां आप समझ ही गए होंगे, किसी विशेष प्रयोजन के लिए गठित की जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी समितियां जो है इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सारी समितियां पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारी जो है एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। कौन कौन सी पूछी जाती हैं बस उन्हीं को पढ़ेंगे, और 99% जो प्रश्न है उन्हीं समितियों से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हमें कौन कौन सी समितियां पढ़नी है? वित्तीय समितियां, जिसके अंतर्गत तीन समितियां हैं, कौन कौन सी? प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति। इसके अलावा विभागीय समितियों को भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इनमें से कुछ समितियां हैं जैसे कि सदन की समितियां, जिसमें है कार्य मंत्रणा समिति जो है प्रमुख है, और इसके अलावा अनुसूचित जातियों और जनजातियों संबंधी समिति जो है, इससे भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कुछ समितियां हैं जिनको हमें पढ़ना है एग्जाम में, इन्हीं से प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो कौन कौन से हैं? लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, लोक उपक्रम समिति, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, कार्य मंत्रणा समिति और विभागीय समिति। ठीक है, इन्हीं को हम लोग एक एक करके अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लोक लेखा समिति की। लोक लेखा समिति, इसका गठन किया गया था 1921 में, राइट। लोक लेखा समिति संसद की सबसे महत्वपूर्ण एवं पुरानी वित्तीय समिति है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पुरानी वित्तीय समिति कौन है? तो लोक लेखा समिति है। ठीक है, अब बात करते हैं कुल सदस्य संख्या की। तो कुल सदस्य 22 हैं लोक लेखा समिति के अंतर्गत। कुल सदस्य 22 होते हैं, और 15 सदस्य जो हैं लोकसभा से व 7 सदस्य जो हैं राज्यसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं इनका रेशियो होता है 2:1। इसी अनुपात में किसी भी समिति के सदस्यों को लिया जाता है। जैसे अगर कोई भी समिति के दोनों सदनों से लिए जा रहे हैं सदस्यों को, लोकसभा और राज्यसभा से
दोनों सदनों से अगर लिए जा रहे हैं तो इसी अनुपात में हमेशा सदस्यों को रखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है। ये एक बहुत अच्छी बात है, ये जो लोक लेखा समिति है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो किसी विपक्षी दल के नेता को बनाया जाता है इसका अध्यक्ष। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना। अब ये जो सरकार के वार्षिक लेखों की जांच अगर सरकार का ही कोई आदमी करेगा तो इसमें पारदर्शिता नहीं रहेगी। इसी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए विपक्षी दल के नेता को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और इस समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? कैग की रिपोर्ट पर विचार करना। ये दो मुख्य कार्य हैं इस समिति के, इसको आपको ध्यान में रखना है, इनसे प्रश्न अक्सर बन जाते हैं। कैग, इसको हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस के अंतर्गत। अभी बस आप ये समझ लीजिए कि कैग का मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ओके। और इनका काम होता है सरकार के समस्त खर्चों की निगरानी करना, ठीक है, संसद द्वारा आवंटित धन की देखरेख करना, और साथ में ये देखना कि सरकारी धन का उपयोग उचित तरीके से हो रहा है कि नहीं। ये सारे कार्य जो है कैग के अंतर्गत आते हैं, महालेखा परीक्षक के अंतर्गत आते हैं। तो लोक लेखा समिति के दो मुख्य कार्य हो गए कौन कौन से? सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना, कैग की रिपोर्ट पर विचार करना, और अध्यक्ष इनके कौन है? विपक्षी दल के कोई नेता को अध्यक्ष चुना जाता है। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे पेश करता है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बनता है अक्सर कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है, ध्यान में रखना। मंत्रिपरिषद के सदस्य को समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य यानी किसी भी मंत्री को इस समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता है, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को ही कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, ठीक है। बाकी अध्यक्ष जो वर्तमान में है ये है अधीर रंजन चौधरी जी। तो ये हो गई लोक लेखा समिति से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइए एक बार रिकॉल करते हैं, तो लोक लेखा समिति का गठन हुआ है 1921 में, कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। समिति का अध्यक्ष जो है वो विपक्ष के किसी दल के नेता को चुना जाता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है इसे, ठीक है, लोक लेखा समिति को ही। इनका मुख्य कार्य क्या है? तो सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना और कैग की रिपोर्ट पर विचार करना। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो अधीर रंजन चौधरी वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो समिति है वो है प्राक्कलन समिति, ठीक है। ये संसद की सबसे बड़ी समिति है, ठीक है। लोक लेखा समिति को हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि सबसे पुरानी समिति है ना, और सबसे बड़ी की अगर बात करें तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। क्यों है ये सबसे बड़ी? क्योंकि इसमें सदस्य संख्या जो है वो 30 है, ओके। जो लोक लेखा समिति थी उसमें सदस्य संख्या 22 थी, और प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या जो है वो 30 है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गठन की बात करें तो जॉन मथाई की सिफारिश पर सन 1950 में 25 सदस्यों के साथ इसका गठन किया गया था, लेकिन बाद में 1956 आते आते सदस्यों की संख्या बढ़ा करके कर दी गई 30। तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या पूछी जाएगी तो वो है 30, इसको आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलिए, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य शामिल नहीं किया जाता है, सेम बातें हैं लोक लेखा समिति में भी, यही हमने पढ़ा था, यही प्राक्कलन समिति में भी है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य समितियों में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, समिति का अध्यक्ष सदस्यों के बीच से सत्तारूढ़ दल से संबंधित होता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष चुना जाता है वो सदस्यों के बीच सत्तारूढ़ दल से ही संबंधित होता है, ठीक है। यानी जो कि जो दल सत्ता में है उसी दल से संबंधित होता है इस समिति का अध्यक्ष। और लोक लेखा समिति में इसके विपरीत हमने पढ़ा था कि जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल से चुना जाता है ना। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सत्तारूढ़ दल से ही इसका अध्यक्ष चुना जाएगा। और इस समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बजट में सम्मिलित अनुमानों की जांच करना एवं लोक व्यय पर मितव्यता के सुझाव देना, ठीक है। बजट में सम्मिलित अनुमानों की जांच करना इस समिति का
काम होता है, इसीलिए सत्तारूढ़ दल से संबंधित ही व्यक्ति इसका अध्यक्ष चुना जाता है, क्योंकि बजट पास कराने का काम तो सत्तारूढ़ दल का ही है ना, तो उनकी अनुमानों की जांच करने का काम भी उन्हीं का होगा, इसीलिए अध्यक्ष जो है सत्तारूढ़ दल से चुना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसे सतत आर्थिक समिति भी कहा जाता है, ये भी एक नाम है, सतत आर्थिक समिति आ जाए या प्राकलन समिति आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, दोनों एक ही चीज है। तो हमने देख लिया प्राकलन समिति को, सबसे बड़ी समिति है, 30 है वर्तमान में सदस्यों की संख्या, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य शामिल नहीं किया जाता है, अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से ही संबंधित होता है, बजट के अनुमानों की जांच करना इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लोक उपक्रम समिति की। लोक उपक्रम समिति जो है इसका गठन किया गया था 1964 में, ठीक है, 1964 में इसका गठन हुआ था, कुल सदस्य संख्या 22 है, 15 लोकसभा से व राज्यसभा से 7 लिए जाते हैं, सेम टू सेम लोक लेखा समिति की जैसे, ठीक है, उसमें भी 22 सदस्य थे, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सदस्य लिए जाते हैं तो रेशियो क्या होगा सदस्यों का, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को लेने का रेशियो क्या होगा, हमने अभी डिस्कस किया था, तो 2:1 होता है हमेशा, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, और अध्यक्ष जो है ये लोकसभा से चुना जाता है, किसमें, लोक उपक्रम समिति में। ठीक है, अध्यक्ष लोकसभा से चुना जाएगा। कार्य क्या होता है इस समिति का, तो सरकारी उपक्रमों की जांच करना, सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना, कैग की रिपोर्ट की जांच करना, जो सरकारी कंपनियां होती है ना उनके लेखों की जांच करना इस समिति का मुख्य कार्य होता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति की। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि कुल सदस्य होते हैं 30, जिसमें से कि 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से चुने जाते हैं। अनुपात की बात करें तो वही अनुपात फिर से हमें देखने को मिलेगा, 2:1 का यहाँ पर भी अनुपात होता है। ठीक है, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, बिकॉज स्थायी समिति है। कार्य अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण संबंधी मामलों की जांच करना, ये इस समिति का मुख्य कार्य है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से कुछ भी प्रश्न नहीं बनते हैं। नेक्स्ट बात बात करेंगे हम लोग कार्य मंत्रणा समिति की। यह समिति संसद के दोनों सदनों में गठित की जाती है, ये पहली ऐसी समिति है जो दोनों सदनों में अलग अलग गठित की जाती है। लोकसभा की समिति में 15 तथा राज्यसभा समिति में 11 सदस्य होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि सभी समितियों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सदस्यों को लेकर एक समिति गठित की जाती थी, है ना, लेकिन कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा में अलग समिति गठित की जाती है और राज्यसभा में अलग समिति गठित की जाती है। यहाँ पे 15 सदस्य लिए जाते हैं और यहाँ पर 11 सदस्य लिए जाते हैं। अध्यक्ष तथा सभापति अपने अपने सदन की कार्य मंत्रणा समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष कौन रहेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा की समिति के अध्यक्ष रहेंगे, और जो सभापति हैं राज्यसभा के वो राज्यसभा समिति के अध्यक्ष होते हैं या पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कार्य की, इस समिति का मुख्य कार्य क्या है, तो यह समिति इस बात की सिफारिश करती है कि सदन के कार्यों को पूरा करने के लिए कितना समय दिया जाए, सदन की कार्यवाही को कितने समय में पूरा किया जाएगा, ये सिफारिश करती है कार्य मंत्रणा समिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट समिति है विभागीय समितियां। तो विभागीय समितियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको जानना जरूरी है, इनसे भी प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि वर्तमान में कुल 24 समितियां हैं, जो विभागीय समितियां हैं वो कितनी हैं, तो 24 हैं। ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है। इनमें 16 लोकसभा तथा 8 राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ओके, 16 समितियां जो है वो लोकसभा के और 8 समितियां जो है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। प्रत्येक विभागीय समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं, यानी कुल 24 समितियां हैं, एक समिति में 31, दूसरी समिति में 31, इस तरीके से प्रत्येक समिति में यानी 24 समितियों में 31 31 सदस्य जो वो होते हैं, और जो 31 सदस्य होते हैं उनमें से भी 21 सदस्य जो है वो लोकसभा से तथा राज्यसभा से 10 सदस्य लिए जाते हैं। एक समिति में 31 सदस्य, ठीक है, और उन 31 में से 21 सदस्य जो हैं वो लोकसभा से, बाकी 10 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए
इस समिति के कार्य क्या हैं? विभागीय समितियों के संबंधित विभाग यानी जो मंत्रालय होते हैं ना, अलग अलग मंत्रालय, संबंधित विभाग की बजट मांगों पर विचार कर रिपोर्ट देना। इसमें प्रत्येक विभाग की अपनी अलग एक विभागीय समिति होती है जो कि बजट में उल्लेखित मांगों पर विचार करके रिपोर्ट सौंपती है। उसी के आधार पर बजट को फिर पास किया जाता है। ठीक है, तो ये उसका मुख्य कार्य हो गया विभागीय समितियों का। और इसका मुख्य कार्य क्या है? सरकार की दीर्घकालीन नीतियों पर विचार करना, ये भी एक इसका मुख्य कार्य है। आइए देखते हैं, फिर से रिकॉल करते हैं। वर्तमान में कुल 24 समितियां हैं, इसमें 16 लोकसभा और 8 राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। प्रत्येक विभागीय समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य लिए जाते हैं। कार्य क्या है? संबंधित विभाग मंत्रालय की बजट मांगों पर विचार कर रिपोर्ट देना, सरकार के की दीर्घकालीन नीतियों पर विचार करना, ये इन समितियों के मुख्य कार्य होते हैं। ठीक है, तो इतनी ही समितियों से मेनली प्रश्न आते हैं एग्जाम में। आपको इन्हीं समितियों को, जितने पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, इन्हीं को कायदे से पढ़ लेना है, एक से दो बार रिविजन कर लेना है। इसके अलावा कहीं भी पॉइंट बाहर से नहीं बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो जब ऑब्जेक्टिव आप क्वेश्चन करेंगे किसी भी बुक को लेकर के, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक ऐसे ही यूजफुल वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।